सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अ क्विक वॉक थ्रू पेज स्पीड एंड सर्च रैंकिंग फैक्टर नाउ स्टूडेंट्स अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये पेज स्पीड चेकलिस्ट है मतलब आसान लफ्जों में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सर्च इंजन के अगेंस्ट गूगल ने खुद पब्लिश किए हुए हैं यहाँ पे जो सबसे पहले देखें कि जो टॉप टेन वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर उनका जो लोडिंग टाइम है वो 1.16 सेकंड है और ये गूगल पब्लिश कर रहा है और जो टॉप थर्टी वेबसाइट्स हैं जो सर्च में नजर आती हैं उनका जो लोडिंग टाइम है दैट इज वन पॉइंट टू जीरो दो सेकेंड से भी कम उसके बाद जो लोडिंग टाइम का लिंक है पेज रैंकिंग से यानी जो को रिलेशन है दैट इज पॉइंट जीरो फोर लुक एट द लास्ट स्टैट, इंपॉर्टेंस लेवल जो है दैट इज नंबर टू अब अगर हम अगला इमेज देखें तो आपको ये नजर आएगा कि इंपॉर्टेंस वाली चीज है क्या इफ वी जस्ट लुक एट ऑल दो सारे फैक्टर्स हैं जो गूगल ने खुद पब्लिश किए हुए हैं कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड गुड और बैड सर्च सबसे पहले है डोमेन एस विजिबिलिटी इसको हमने डिस्कस करते लुक एट द पेज स्पीड साइड स्पीड अब साइट स्पीड का जो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है टू अब अगर आप बाकी नंबर देखें तो इसके ऊपर है वन नीचे है माइनस वन और फिर है जीरो टू इज द हाईएस्ट यानी जो साइड स्पीड है वो उसका जो इंपॉर्टेंस है पेज रैंकिंग में दैट इज नंबर टू दिस इज द हाईएस्ट अमंग ऑल अदर फैक्टर्स अगेन ये डाटा मैंने नहीं पब्लिश किया ये गूगल वाले खुद ऑन एंड ऑफ पब्लिश करते रहते हैं ताकि जो एंड यूजर है या वेबसाइट क्रिएट करने वाली कंपनीज या लोग हैं उनको भी ये पता लगना चाहिए कि वेयर दे हैव टू वर्क मोर उन्होंने किस एरिया के अंदर ज्यादा काम करना है तो इंपॉर्टेंस फैक्टर जो साइट लोड का है दैट इज टू और ये डायरेक्टली लिंक है आपकी लोडिंग टाइम से यानी जो पेज स्पीड है साइट की स्पीड है वो डायरेक्टली लिंक है उस रैंकिंग एल्गोइम से जिसके थ्रू मुझे और आपको यानी जिसके थ्रू गूगल जो है वो किसी वेबसाइट को रैंक करता है तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर ऑफ फाइंडिंग आउट कि आपकी वेबसाइट कितनी स्लो और कितनी फास्ट है तो हैविंग सेट दैट लेट मी शो यू वन टूल जो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्स दिखा सकती है कि हाउ गुड और बैड योर वेब स्पीड ऑफ योर वेबसाइट इज सो लेट अस विजिट दैट डेल्पर्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश स्पीड स्लैश पेज स्पीड स्लैश इनसाइट ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वेबसाइट आपको ये बताती है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं हाउ गुड और बैड योर स्पीड ऑफ वेबसाइट इज लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीबीसी डॉट कॉम या आप कोई भी वैलिड वेबसाइट लिख सकते हैं एनालाइज पे क्लिक करें तो इट विल कपल ऑफ सेकेंड्स फोर इट विलू द स्टेटस ऑफ योर वेबसाइट की वेबसाइट की स्पीड जो है या इंप्रूवमेंट के फैक्टर कौन कौन से हैं जस्ट लुक एट दस सिंह अब ये वेबसाइट के अंदर उसने मोबाइल की स्पीड बताई उसने कहा जी ये एवरेज है ऑप्टीमाइजेशन इसके अंदर गुड और यू ये नंबर देखें ऑप्टोमाइजेशन के एट्टी आउट ऑफ हंड्रेड और जो ये एफ सी पी है आई विल यून मोमेंट ये एफ सी पी क्या है और DCL क्या है ये उसने मोबाइल की स्टैंड दिए स्पीड इसकी एवरेज है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल का अब मैं अगर डेस्कटॉप पे क्लिक करूं तो स्पीड बोल रहा है देखें उसकी डेस्कटॉप में गुड से मीडियम पे आ गई है तो ये नंबर कम हो गए हैं अगर आप इसको फर्दर ड्रिल डाउन करें तो ये आपको कुछ सजेशन भी दे देगी कि ऑप्टिमाइज इमेज टू फिक्स एक्सम ये सारे इशूज दिखा रहा है वो अब वो दूसरा कह रहे हैं कि जी एलिमिनेट रेंडरिंग ब्लॉक जाओस्क्रिप्ट आई मीन ये सारे अब अब टेक्निकल इशू हैं लिवरेज ब्राउजिंग कैशे मतलब ये आपको इंप्रूवमेंट के फैक्टर्स भी बता रहा है जिसको अप्लाई करने से आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है मतलब जल्दी लोड हो सकती है तो अगर मैं अब आपको यह दिखाऊं एफ क्या चीज है एफ से बेसिकली मुरादी होती है फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मतलब आसान लफ्जों में कि यह वो टाइम है जिससे मुझे वेबसाइट में कुछ विजुअली नजर आना शुरू हो जाता है जितना ये कम होगा मानी जितना फास्ट होगा उतना आपका ज्यादा चांस है कि यूजर इंगेज रहेगा ये एक इंडिकेटर है जो आपको ये जो पेज स्पीड वेबसाइट है वो आपको बताती है दूसरा है डी सी एल डॉम कंटेंट लोडर इससे मुरादी होती है कि ब्राउजर एचटीएमएल को समझने में और एचटीएमएल के अगेंस्ट पेज दिखाने में कितना टाइम ले रहा है ये उसकी एब्रिविएशन है डोम एक टेक्निकल वर्ड है इस पे मत जाएं अभी सिर्फ ये समझें कि आपकी लिखी हुई एचटीएमएल को ब्राउजर कितनी जल्दी समझ के उसके अगेंस्ट मुझे और आपको वेब पेज दिखा देता है ये बेसिकली उस स्पीड का नाम है अगेन जितनी कम होगी उतनी बेहतर है तो ये वेबसाइट आपको क्लियरली ये बताती है कि आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है स्पीड की और ऑप्टिमाइजेशन की और ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट दिखा रही है यानी आपको, रही है. आपको ये बता रही है सिक्योर डैश एसेट्स डॉट सम स्लैश यानी इमेज तक उसने बता दी आपको कि आप इसके अंदर सेविंग कर सकते हैं यानी इमेज साइज आप अगर रिड्यूस करें 54 परसेंट तो जो पेज लोड टाइम है वो कम हो सकता है तो ये वेबसाइट खासी हेल्पफुल होती है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर पेज स्पीड